दोस्तों सिकासार जलाशय हम आ चुके हैं और अभी बारिश नहीं है। बारिश में यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत रहता होगा क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा सीढ़ी बना है, तो बारिश में तो ये बिल्कुल मानव निर्मित झरना जो है झरने के समान लगता होगा और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको लेके चलूंगा सिकासार जलाशय। यह गरियाबंद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, गरियाबंद मैनपुर मुख्य मार्ग से लगभग 16 किलोमीटर अंतर सिकासार जलाशय आप जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको पक्की सड़क मिल जाएगा। परी नदी पर बना यह बांध के पीछे विशाल जलाशय है जिसका आज मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और बहुत से लोग नहाने के लिए भी यहाँ आते हैं, और अगर आप नहाते हैं तो निचले वाले हिस्से में नहाएं, बांध के आसपास बिल्कुल ना नहाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है और बहुत ज़्यादा गहरा भी। दोस्तों हम यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट वीक में घूमने के लिए गए थे। अगर आप यहाँ घूमने जाने का सोच रहे हैं तो आप बारिश में या ठंड के मौसम में यहाँ पर घूमने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों चलिए इस जलाशय का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। इस बांध का निर्माण 1977 में किया गया था। परी नदी पर बना यह बांध बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर 20 गेट हैं। सिकासार जलाशय में बिजली उत्पादन भी होता है। यहाँ पर 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ का पानी का यूज़ बिजली बनाने के लिए व सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। जलाशय का निचला हिस्सा पहले बहुत ज़्यादा खाई था, अब इसे सीढ़ी बना दिया गया है जो बारिश के मौसम में मानव निर्मित झरने के समान लगता है। मैं खास इसी को देखने के लिए यहाँ पर आया था बट अभी ये पूरी तरह से सूख गया था तो ये देख नहीं पाया। जलाशय के ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारे पर्वत हैं जहाँ पर 50 से भी अधिक जलप्रपात है जिसका वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आधा से ज़्यादा जलप्रपात सूख गया था, इस कारण से इस बार यहाँ का वीडियो नहीं बना पाया। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर बारिश में आऊँगा और इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों सिकासार जलाशय का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।